फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आपको चूड़ी मैनुअल लेंथ पे कैसे डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए वीडियो। जैसे ये नट का थ्रेड शाफ्ट के ऊपर डालना है, अगर आप भी डालना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको ऐसा इनर टूल लेना है, इनर इनसाइज टूल, फिर नट के थ्रेड के अंदर इनर साइज में इसे डालना है और बिल्कुल इसे ऐसा रखना है ये फ्रीली घूम जाए। फिर उसका नाप ले लो, चाहे माइक्रोमीटर से हो या वर्नियर से हो। फिर एक ऐसा थ्रेड रीड गेज आता है जो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, फिर उस थ्रेड का नाप लेना है कि आपके कितने नंबर की थ्रेड है। अगर ये बिल्कुल फिक्स बैठना चाहिए थ्रेड, जैसे वीडियो में देख रहे हैं आप, जो इन साइज का नाप आया था उस नाप का आपको जॉब के ऊपर कट लगाना है जब आप थ्रेड डालना चाहते हैं। हमारा ऑल गियर बॉक्स मशीन है इसलिए हमने हमारा थ्रेड का पॉइंट चूज कर लिया। उसके बाद स्क्रू लीवर को नीचे गिराना है ताकि आपका थ्रेड चलने लग जाए। फिर ऐसे नाप लगाना है और बस काम पे लग जाना है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जो लेथ मशीन वालों के पास बहुत कम रहता है। यह है टेलीस्कोपिक बोर गेज, जो बोर को बिल्कुल एक्यूरेट नाप से नापता है। ये अंदर डीप तक भी चल जाता है और इस आप बोर की टेपर भी जान सकते हो इस बोर गेज की मदद से। इसके मुंह पे दोनों साइड पिस्टन रहते हैं जो अंदर जाके बोर में खुल जाते हैं और नीचे से ऐसे स्क्रू से टाइट हो जाता है ये। फिर आप अंदर बोर में ले जाओ और इसे खोल दो, फिर दोनों पिस्टनों को दबा के बोर के अंदर डाल दो और फिर ऐसे स्क्रू से टाइट कर लो। इससे आपका बोर का मेजरमेंट आ जाएगा। फिर आप चाहो तो इसे माइक्रोमीटर या वर्नियर से नाप सकते हो। माइक्रोमीटर से नापने से ये बिल्कुल एक्यूरेट नाप देता है, आप जॉब को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बिठा सकते हो कई बार बोर में। अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ परचेस करो और आपके काम को और ज़्यादा एडवांस बना दो। जब आपका काम एडवांस होगा तब सारे काम अच्छे हो जाएंगे। और ये सारे साइज़ के साथ आता है, 8 से लेकर 150 mm तक। आपका जो कटिंग टूल है जिससे आप थ्रेड को काटोगे, उस कटिंग टूल को आपको थ्रेड गेज में ऐसे अड़ा के देखने है ताकि आपका जो थ्रेड का डायमीटर है वो बिल्कुल ऐसा ही रहे। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ी बहुत दाल लगा के घिस के सेट कर लें, बाकी होना ऐसा ही चाहिए। आपके कटिंग टूल को कस के फिर जॉब के अड़ा के उसका नाप लेना है। ऐसे नाप ले लें आप चौक से और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। लेथ को स्टार्ट करके थ्रेडिंग काटने लग जाइए और जैसे ही एंड तक आए आपको क्रॉस लाइट की मदद से वापस पीछे लेना है, लेकिन स्क्रू लीवर को नहीं हटाना है। ये ऐसे पीछे ले लिया और फिर रोक कर वापस रिवर्स में जाने देना है। स्क्रू लीवर को नहीं हटाना है जैसे वीडियो में देख रहे हैं, और फिर वापस आगे लाएं। आगे लाने के बाद जो आपने मेजरमेंट लिया था उससे एक और पॉइंट आगे बढ़ा दें और ऐसे ही धीरे धीरे थ्रेड काटते जाना आपको नाप लगा लगा के, जब तक आपका एक्यूरेट नाप नहीं हो जाए। फिर वापस लेथ को स्टार्ट कर दें। आपका चेक नट चढ़ रहा है लेकिन वो बहुत टाइट जा रहा है तो उसके लिए कट नहीं लगा है, आप ऐसे रेती लगा के उसे थोड़ा ढीला कर लें, थ्रेड को कम कर लें और वापस आपका चेक नट चढ़ा कर चेक कर लें। इसमें प्ले नहीं रहनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपका थ्रेड बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए, हाथ से चल जाए और लेकिन बबलिंग नहीं करें। जब आपका थ्रेड पूरा कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आपको जो थ्रेड का मुंह रहता है उस पर एक टेपर नोक बनानी है ताकि कोई सी चोट लगने पे उसका मुंह नहीं फूले, थ्रेड में कसने में दिक्कत नहीं आती। और अगली वीडियो एक बहुत अच्छे जुगाड़ पे आने वाली है, हम लेथ के ऊपर मिलिंग अटैचमेंट लगाने वाले हैं, जो आपकी छोटी मोटी डाई है, चाबी काटना, सेंटर सेट करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप हमारी वीडियो में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी ज़रूर क्लिक कर लेना और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमें फ्रीली कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।